हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज से हम शुरुआत करेंगे क्लास 12th की ज्योग्राफी सीयूईटी एग्जाम के लिए। आपका जो सीयूईटी एग्जाम होने वाला है 2023 के लिए मई में जो एग्जाम होगा, इसके लिए हम क्वेश्चन और आंसर्स और एमसीक्यूज ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे चैप्टर बाय चैप्टर। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। और ऐसा नहीं है सिर्फ ज्योग्राफी की शुरुआत कर रहे हैं, हिस्ट्री की शुरुआत हो चुकी है, पॉलिटिकल साइंस की शुरुआत हो चुकी है, ज्योग्राफी के भी अब आपको सीयूईटी के एग्जाम के वीडियोज आपको यहाँ पे मिलने में लग जाएंगे। और हमारा 100% सिलेबस कवर होगा, जितने भी चैप्टर हैं, हर चैप्टर में से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं सीयूईटी एग्जाम के लिए, सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज जो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1, अपनी जो बुक है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, इस वाली बुक का चैप्टर नंबर 1 पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ कंपोजिशन, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये पहला वीडियो है। अभी हम चैप्टर बाय चैप्टर हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और कोशिश हम मेरी ये रहेगी एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस किया जाए। लास्ट साथ के साथ में एमसीक्यू के साथ साथ क्वेश्चन एंड आंसर ये फॉर्मेट भी चालू रहेगा, दोनों तरह से हम चालू करके रखेंगे। मैप्स भी करेंगे हम, टेबल्स भी देखेंगे। तो अभी ये शुरुआत है, लास्ट में जब ये सारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे तो एक साथ ज्योग्राफी के बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल चैप्टर बाय चैप्टर अप्रोच अपनाते हैं, लेटर ऑन बुक बाय बुक और फिर हम एक साथ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज लोएस्ट लिटरेसी रेट, किस स्टेट की लिटरेसी रेट सबसे कम है? बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, झारखंड, यहाँ पे आपको बताना है कौन से स्टेट में सबसे कम लिटरेसी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बिहार, बिहार की लिटरेसी रेट सबसे कम है। ठीक है, तो मैप में बिहार कहाँ है, ये रहा आपका बिहार। बिहार के बारे में एक चीज और बता दूं, बिहार में से ही 2000 में एक स्टेट बना था जिसका नाम था झारखंड। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, बिहार में से क्या बना था, झारखंड। आपको कमेंट करके बताना है, कमेंट तो क्या करोगे, बिहार की कैपिटल आप ध्यान रखना क्या है, पटना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। हाउ मेनी फेजेज या स्टेजेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ के हमने कितने फेजेज या स्टेज पढ़े थे, 1, 2, 3, 4, तो सही आंसर है इसका 4 फेजेज पढ़े थे हमने ना। एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया इज पर किलोमीटर, भारत की एवरेज डेंसिटी पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है पर किलोमीटर स्क्वायर के हिसाब से। तो ये कई सारे ऑप्शन दे रखे हैं, 216, 982, 2, 3, 2, 4, तो सही आंसर है 324 किलोमीटर पर किलोमीटर स्क्वायर है ना, ये है हमारी मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी। विच स्टेट है हाईएस्ट पॉपुलेशन, कौन से स्टेट की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, पंजाब की और आपका केरल, तो 4 है, कौन सा है सही आंसर है इसका, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कहाँ है, ये रहा उत्तर प्रदेश। और ध्यान रखना उत्तर प्रदेश में से 2000 में उत्तर प्रदेश में से ही बना था उत्तराखंड बना था। ठीक है, उत्तराखंड जिसका पहले नाम हुआ करता था उत्तरांचल। विच स्टेट है द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, किस स्टेट की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा हाईएस्ट है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, तो सही आंसर है बिहार। बिहार जो है इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है पर यूनिट स्क्वायर एरिया में, किलोमीटर स्क्वायर एरिया में रहने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। विच स्टेट है हाईएस्ट सेक्स रेशियो, सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो किसका है, मतलब हम ये कह सकते हैं फीमेल की संख्या, फीमेल की संख्या मेल से ज्यादा है भारत में, ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पे फीमेल सबसे ज्यादा पाई जाती हैं, तो केरल, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, तो सही आंसर है केरल, ये रहा आपका केरल। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है केरल में कौन सा पोर्ट है, केरल में जो पोर्ट है उसका नाम कमेंट करके बताना है, आई एम श्योर आप बता दोगे। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड पॉपुलेशन, वर्ल्ड की पॉपुलेशन में इंडिया की कौन सी रैंक है, 1st, 2nd, 5th, 7th, तो यार इसका तो तुम बता ही दोगे। वर्ल्ड में हाईएस्ट पॉपुलेशन जो है आपकी चाइना की है और सेकंड नंबर पे अपना प्यारा भारत आता है। ठीक है, सून हम चाइना को भी क्रॉस कर जाएंगे। व्हाट इज द डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया, इंडिया की डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितनी है, 15.3, 17.3, 17.6, 21.3, तो ये है 17.6। आप देखोगे 2001 से लेके 2011 के बीच में भारत की जो डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ है वो है 17.16। ठीक है, When was first census held in India? इंडिया में सबसे पहले सेंसस कब हुई थी, 1871, 1891, 1881, 1861, तो सही आंसर है 1881। जब भी हम सेंसस की बात करें, सेंसस का मतलब होता है जनगणना, पॉपुलेशन की जो मतलब काउंटिंग की जाती है उसको हम सेंसस बोलते हैं। भारत में सबसे पहले सेंसस की काउंटिंग 1872 में की गई थी, यहाँ पे ऑप्शन है नहीं, और 1880 मतलब बन से फिर हम यहाँ पे इंडिया में रेगुलर सेंसस करते आ रहे हैं। आजादी के बाद हमारी पहली सेंसस 1951 में हुई थी, लास्ट सेंसस हमारी 2011 में हुई है और अभी 21 वाला सेंसस का डेटा हमारे पास आया नहीं है कोविड-19 की वजह से। हाउ मच परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज इन इंडिया, इंडिया में कितने परसेंट पॉपुलेशन है दुनिया की, मान लो दुनिया में 100% पॉपुलेशन है उसका कितना परसेंट भारत में, तो 10.2, 12.7, 16.7 और 18.7% है, तो सही आंसर है 16.7। दुनिया में जितने भी परसेंटेज है उसका
16.7% भारत में पाया जाता है पॉपुलेशन का। विच स्टेट हैज लोएस्ट पॉपुलेशन, किस स्टेट में यहाँ पे जो दे रखे हैं सबसे कम पॉपुलेशन पाई जाती है, पंजाब, सिक्किम, आसाम, राजस्थान, तो इसका सही आंसर है सिक्किम। इंडिया में सिक्किम ऐसा स्टेट है जहाँ पे सबसे कम पॉपुलेशन पाई जाती है। कहाँ है सिक्किम? एक तरफ नेपाल है, दूसरी तरफ भूटान है, बीच में पाया जाता है सिक्किम, जिसकी कैपिटल गंगटोक है। ठीक है, अच्छा कमेंट करके आपको बताना है सिक्किम भारत का पार्ट एग्जैक्ट इंडिया में कब मिला था। ठीक है, या मतलब उसका एग्जैक्ट इंटीग्रेशन कब हुआ था। विच स्टेट हैज लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, किस स्टेट की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है, पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया में रहने वाले लोगों की संख्या सबसे कम है, तो हरियाणा, राजस्थान, उत्तरा अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। तो सही आंसर है इसका अरुणाचल प्रदेश, इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है। व्हाट इज द एवरेज सेक्स रेशियो, व्हाट इज द एवरेज सेक्स रेशियो इन इंडिया, इंडिया में एवरेज सेक्स रेशियो कितना है? 910, 923, 940, 953। तो सही आंसर है इसका 940, इंडिया का एवरेज सेक्स रेशियो है। ठीक है, लिटरेसी रेट इन इंडिया, इंडिया में लिटरेसी रेट कितनी है? 55%, 60%, 74%, 80%, तो यहाँ पे सही आंसर है 74%, एग्जैक्ट है ये 74.04% ये लिटरेसी रेट है इंडिया की। इंडियाज पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है 2011 की सेंसस के आधार पर। अब यहाँ पे मिलियन में दे रखी है, देखो मिलियन का सिंपल सा मतलब जो भी मिलियन में दे रखा है अगर आपको उसको करोड़ में निकालना है ना तो एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो। ठीक है, जैसे 1 से 2.8 ये करोड़ हो जाएगी। ठीक है, तो अभी मिलियन में दे रखी है तो घबरानी। अब आप सबको पता है 2011 की सेंसस के अनुसार हमारी पॉपुलेशन कितनी है, 121 करोड़ है, 121.01 कुछ ऐसे करके करोड़ है, तो मतलब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सही आंसर आ जाएगा 1210 मिलियन, मिलियन में दे रखी ना, तो मिलियन को क्या कर दो एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो तो 1210 मिलियन में आ जाएगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, किस स्टेट में यहाँ पे जो चार दे रखे हैं सबसे ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन पाई जाती है, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, गोवा। तो सही आंसर है गोवा, ये रहा आपका गोवा। गोवा में कौन सा पोर्ट है ये भी कमेंट करके बताना है। तो गोवा इंडिया का ऐसा स्टेट है जहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन ज्यादा है, रूरल पॉपुलेशन कम है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लैंग्वेज ग्रुप ऑफ इंडिया, इंडिया में सबसे बड़ा लैंग्वेज ग्रुप कौन सा है इनमें से, साइनो टिबेटियन, ऑस्ट्रिक, इंडो आर्यन, द्रविड़ियन। तो सही आंसर है इंडो आर्यन। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट सेक्स रेशियो, सबसे कम सेक्स रेशियो कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये एन एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, तो पंजाब, हरियाणा, झारखंड, बिहार। तो सही आंसर है इसका हरियाणा, हरियाणा कहाँ है, ये रहा आपका हरियाणा दिल्ली के ऊपर। विच स्टेट हैज हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन, रूरल पॉपुलेशन किस स्टेट में सबसे ज्यादा पाई जाती है, यूपी, हिमाचल प्रदेश, बिहार, सिक्किम। तो सही आंसर है हिमाचल प्रदेश, ये रहा आपका हिमाचल प्रदेश, जस्ट लद्दाख के नीचे आप देखोगे। हाउ मेनी शेड्यूल लैंग्वेजेज आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का जो संविधान है उसमें कितनी शेड्यूल लैंग्वेज है, 22, 21, 20, 11। तो सही आंसर है इसका 22। ठीक है, ए वर्कर इज नोन एज मेन वर्कर हु वर्क्स एट लीस्ट, तो किस वर्कर को हम मेन वर्कर कहेंगे, तो एक ऐसा वर्कर जो कम से कम काम करता हो 200 दिन, 183 दिन से कम, 185 दिन, 183 दिन से ज्यादा, तो यहाँ पे आ जाएगा 183 डेज से जो ज्यादा काम करता है, लगभग 6 महीने के समथिंग जो काम करता है उसको हम कहते हैं मेन वर्कर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी इन इंडिया, अब देखो इंडिया में एक माइनॉरिटी मेजोरिटी वाला कॉन्सेप्ट आपको बताइए, मेजोरिटी मतलब जिसकी संख्या ज्यादा हो, माइनॉरिटी मतलब जिसकी संख्या कम हो। अब देखो हिंदू रिलीजन तो आपको पता है सब मेजोरिटी में भारत में, उसके बाद जितने भी रिलीजन सब माइनॉरिटी में, माइनॉरिटी में भी सबसे ज्यादा कौन सा रिलीजियस ग्रुप है इन चारों में से, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, सिख और क्रिश्चियन। तो सही आंसर हो जाएगा मुस्लिम। ठीक है, व्हाट इज द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया एज पर 2011 सेंसस, 2011 की सेंसस के अनुसार हमारी एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितनी है, मतलब हर साल हमारी पॉपुलेशन पिछले साल की तुलना में कितनी ग्रो कर जाती है, तो 1.16, 1.64, 2.5, तो इसका सही आंसर है 1.64%। ओके, व्हाट इज द एरिया ऑफ इंडिया, एरिया कितना है वर्ल्ड के एरिया का, तो इसका सही आंसर निकालना है 2.1, 2.2, 2.4, 2.3, तो सही आंसर है 2.4% एरिया हमारा वर्ल्ड का। ठीक है, द फर्स्ट सेंसस वाज कंडक्टेड इन इंडिया, यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं 1951, 1881, 1872, 1870, तो सबसे पहली बार सेंसस कंडक्ट की गई थी 1872 में। सेंसस ऑफ इंडिया इज कंडक्टेड इन, कितने साल में सेंसस कंडक्ट की जाती है, 5, 10, 15, 11, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 साल में इंडिया की सेंसस कंडक्ट की जाती है। विच यूनियन टेरेटरी हैज, ये आ जाएगा हैज हाईएस्ट पॉपुलेशन, किस यूनियन टेरेटरी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है, न्यू दिल्ली, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, पुदुचेरी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है यूनियन टेरेटरी में। स्टेट की बात करें तो बिहार आ जाएगा। विच स्टेट हैज हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ, अब ग्रोथ की बात चली, ध्यान देना पॉपुलेशन ग्रोथ,
मिजोरम, उत्तर प्रदेश, बिहार, मेघालय। तो सही आंसर है इसका मेघालय। मेघालय की पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा है। ठीक है, विच यूनियन टेरिटरी हैज लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ, किस यूनियन टेरिटरी की लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ है? न्यू दिल्ली, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, पौंडीचेरी। तो सही आंसर है इसका लक्षद्वीप। ये रहा आपका लक्षद्वीप, इसकी पॉपुलेशन ग्रोथ सबसे कम है। किस स्टेट की पॉपुलेशन ग्रोथ सबसे कम है? नागालैंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, मेघालय। तो सही आंसर है नागालैंड। ये रहा आपका नागालैंड। इन विच पीरियड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वॉज नेगेटिव, किस पीरियड में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो थी नेगेटिव थी? 1901 से 1911, 1911 से 1921, 1951 से 1961, 2001 से 2011, किस टाइम पर पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1911 से 1921 के बीच में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या थी इंडिया की? नेगेटिव थी। विच यूनियन टेरिटरी हैज हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ, किस यूनियन टेरिटरी में पॉपुलेशन ग्रोथ जो है सबसे ज्यादा है? तो न्यू दिल्ली, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, पुदुचेरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिलेगी। विच इज द लार्जेस्ट रिलीजियस ग्रुप ऑफ इंडिया, इंडिया का लार्जेस्ट रिलीजियस ग्रुप कौन सा है? मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, जैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदूज। ठीक है, और इसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मतलब है। When first population census was conducted in India, 1872. First complete census कब हुई थी? 1881 में। वर्ल्ड का सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री कौन सा है? इंडिया है। फर्स्ट नंबर पे कौन आता है? चाइना आता है। इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है 2011 की सेंसस के अनुसार? या तो 1210 मिलियन कह दो या 121.1 करोड़ कह सकते हो। इंडिया का कौन से स्टेट की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा हाईएस्ट है? उत्तर प्रदेश। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया इज को नोन एज पॉपुलेशन डेंसिटी। यूनिट क्या है पॉपुलेशन डेंसिटी की? पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। व्हाट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया एज पर 2011 सेंसस? 382। अब ये पढ़ चुके हैं हम, अभी एमसीक्यूज देखे थे। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? बिहार। कितनी है? 1102। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? अरुणाचल प्रदेश। कितनी है? 17। पॉपुलेशन डेंसिटी दिल्ली की कितनी है? 11297, 11297। विच यूनियन टेरेटरी ऑफ या व्हेन यूनियन टेरेटरी ऑफ दमन दीव एंड दादरा नगर हवेली वाज मर्ज्ड? आपको पता है दमन दीप और दादरा नगर हवेली एक हो गई है, मर्ज हो गई है। कब? 2020 में। फिजियोलॉजिकल डेंसिटी क्या होती है? तो टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाई नेट कल्टिवेटेड एरिया, ये हो जाएगी फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, ऐसे ही हम सारे चैप्टर डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।